नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। झारखंड में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ही झारखंड में राजनीतिक उठापटक का खेल भी शुरू हो गया है। झारखंड के कैबिनेट मंत्री व पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने अपने बगावती रुख अब खुलकर दिखा दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से नाराजगी के बीच चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली से ही उन्होंने अपने दिल का दर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयां भी किया है। चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखी गई लंबी पोस्ट पर पूर्व सीएम चंपई ने यह भी कहा है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुए अपमान और तिरस्कार से आहत हैं। उन्हें अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। चंपई द्वारा सीधे तौर पर हेमंत सोरेन पर निशाना साधने के बाद माना जा रहा है कि वो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं। चंपई सोरेन के साथ 5 अन्य जेएमएम के विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि चंपई सोरेन के पाला बदलने से क्या बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा होने वाला है? बीजेपी में आने से चंपई सोरेन को क्या लाभ मिलने वाला है? सूबे के कद्दावर नेता के जाने से जेएमएम को कितना नुकसान होगा? या फिर जेएमएम में अपमानित किए जाने के बाद चंपई अपना फायदा देखते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? चंपई सोरेन झारखंड के कोल्हान इलाके से आते हैं। उन्हें झारखंड में कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। कोल्हान में विधानसभा की 14 और लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। चंपई सोरेन कई बार कोल्हान से विधायक रह चुके हैं। सूबे में हेमंत सोरेन के बाद चंपई आदिवासी का बड़ा चेहरा है। चंपई सोरेन अगर बीजेपी में आए तो बीजेपी को एक कद्दावर आदिवासी नेता मिल जाएगा। कोल्हान टाइगर विधानसभा की 14 सीटों पर बीजेपी का फायदा कराएंगे। बीजेपी के लिए जेएमएम पर परिवारवाद वाला नैरेटिव चिपकाना आसान हो जाएगा। चंपई सोरेन अगर जेएमएम छोड़ते हैं तो झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा बूस्ट भी मिलेगा। पार्टी बदलने से चंपई सोरेन को बीजेपी हेमंत सोरेन की तरह सीएम तो नहीं बना सकती है, लेकिन सीएम पद से हटाए जाने के बाद जेएमएम में हो रही घुटन से वो मुक्त हो जाएंगे। बीजेपी चंपई सोरेन को इसलिए सीएम नहीं बना सकती क्योंकि राज्य में अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी जैसे नेता पहले से ही मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से जेएमएम को अब तक का सबसे बड़ा सियासी नुकसान होने वाला है। कोल्हान रीजन में जेएमएम के वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ेगा। यहां का आदिवासी वोट जेएमएम की तरफ न आकर बीजेपी की ओर खिसक जाएगा। आदिवासी समुदाय के बीच कोल्हान रीजन में चंपई सोरेन ही उनके नेता हैं। बता दें कि झारखंड के सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम इन 3 अहम जिलों को मिलाकर कोल्हान रीजन बनता है। यहां विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। कोल्हान इलाके में चंपई सोरेन की पकड़ मजबूत है। 2019 के चुनाव में कोल्हान की 14 में 11 सीटें जेएमएम ने जीती थी। कोल्हान की 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। 2019 के चुनाव में इस रीजन में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। कोल्हान का रिकॉर्ड ही तो वो वजह है कि बीजेपी चंपई सोरेन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। कोल्हान रीजन में मजबूत पकड़ के कारण चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है, लेकिन जेएमएम पूरे आदिवासी वोट बैंक पर दिसोम गुरु यानी शिबू सोरेन और उनके परिवार के कब्जे का दंभ भरती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।